हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज आपको हम निक की डिज़ाइन बताएंगे। देखिए, हमने ये बकरम लिया है, इसे फोल्ड करके रखें। देखिए, इसकी चौड़ाई हमने 5 लिया है। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो आप 2.5 पे निशान लगाएं, या आप ठीक गले पहनते हैं तो आप 3 पे निशान लगाएं। हम इसे 3 पे निशान लगाते हैं। इसका लेंथ ले लेते हैं। अगर आप छोटे गले पहनते हैं नीचे से लंबाई में, लेंथ में, तो आप 9 लीजिए, और अगर बड़े पहनते हैं तो 10 लीजिए। हम इसमें 10.5 लेते हैं। देखिए, हम 10 पे निशान लगा रहे हैं, 10.5 पे, और यहाँ से भी हम 3 पे निशान लगाते हैं। अब इसे हम मिला देते हैं। ऊपर से हम 4 पे निशान लगाते हैं। देखिए, इसे शेप लाइन देंगे। अब यहाँ से हम 1.5 इंच की डिफरेंस पे निशान लगाएंगे। देखिए, इसे हम मिला देते हैं। आप देख रहे होंगे। अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं। देखिए, काटने के बाद ये कुछ इस तरह रहेगा। देखिए, इस बकरम को हमने प्रेस कर लिया है। हमारी बकरम पेस्टिंग वाली है। अगर आपकी बकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके सिलाई कर ले, सिलाई कर ले। उसके बाद इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए, इस तरह इसे हम फोल्ड करेंगे और चौक के, देखिए, ऐसे ऐसे रखीरा खींचते, और इस जगह हम कट लगा लेते हैं। देखिए, हमारा इस पर भी हम ब्लाउज का हमारा कटिंग है, इस पर भी हम चौक के निशान लगा लेते हैं, और इस पर हम
कट करते हैं। इसके बाद फ्रेंड इसकी इस जगह में हम कट करते हैं और इसे हम मशीन से इसे फोल्ड कर करके इसे हम सिलाई कर लेंगे। आइए इसकी हम सिलाई करके आपको दिखाते हैं। देखिए इसकी हमने सिलाई कर ली है किनारे किनारे। अब इसे इस कपड़े पे रखें। देखिए ये कटा हुआ पॉइंट, दोनों कटा हुआ पॉइंट मैच होना चाहिए और नीचे से हमारा जो हमने चौक का निशान लगाया था ये भी मैच होना चाहिए। अब इसके हम ऊपर ऊपर सिलाई करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसके बीच में सिलाई कर लेते हैं। देखिए हमने बीच में सिलाई कर रखी है। अब हम इसे किनारे किनारे ठीक बकरम के किनारे किनारे सिलाई करेंगे। देखिए हम इसे करके दिखाते हैं आपको। देखिए हमने सिलाई कर ली है ऐसे ऐसे करके। अब हम किनारे किनारे इसके थोड़े थोड़े लेके कपड़े इसकी कट लगाएंगे। देखिए इस तरह कट लगाएंगे हम। देखिए हमने इसे गोल राउंड में काट लिया है। अब हम इसके अंदर के भाग को कट लगाएंगे। देखिए इस तरह। देखिए इसकी कटिंग हम कर चुके हैं। अब इसे हम थोड़े थोड़े कट लगा देते हैं। ध्यान रहे हमारा धागा कटे ना। अब इसे हम फोल्ड कर देते हैं। देखिए इसकी सहायता से दोनों भाग का हम इसे फोल्ड कर देंगे। देखिए हमने इसे फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। आप भी इसे फोल्ड करके प्रेस कर ले। देखिए हमने अपने मैचिंग की ब्लाउज की कपड़े को चकोर चकोर पीस में काट के रखा है। अब इसकी हम फूल बनाएंगे। देखिए कुछ इस तरह इसे हमने फोल्ड किया, इस तरह फोल्ड किया, इसे ऐसे फोल्ड करें और ऐसे फोल्ड करें। देखिए इस तरह। अब इसे हम ब्लाउज के ऊपर बैठाएंगे। देखिए इसे हम इस तरह बैठाएंगे ब्लाउज के ऊपर और इसकी हम सिलाई करेंगे। देखिए हमने इसे एक एक करके इस फूल को बैठा दिया है। अब इसके ऊपर हम इस कपड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम बैठाएंगे। देखिए इस तरह बैठाएंगे इसके ऊपर। ऐसे बैठाएंगे इसे, इस तरह इसके ऊपर बैठाएं और सिलाई करेंगे किनारे किनारे। देखिए इस तरह। देखिए इसके किनारे किनारे हमने सिलाई कर लिया है। अब इसे हम अंदर की ओर ले जाएं, अंदर की ओर ले जाके देखिए इसकी अंदर की ओर ले जाके इसकी हम सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह। देखिए इसकी हमने सिलाई कर दिया है इसके ऊपर। अब देखिए इस पट्टी को हम इसके ऊपर इस तरह रखेंगे, इस तरह रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई करते जाएंगे। देखिए इसे अंदर से हल्का सा मोड़ ले ताकि कपड़ा बाहर की ओर निकले ना। देखिए इस तरह इसके ऊपर रखें। अब हम सिलाई करेंगे। देखिए इसे किनारे किनारे हमने फूल की पट्टी बैठा लिया है। देखिए इसे अब इसकी हम किनारे पट्टी बैठाएंगे। इसे इस तरह फोल्ड करें और इसके ऊपर हम रखेंगे इस तरह, इस तरह रखें।
इसकी हम सिलाई करेंगे। देखिए इसके ऊपर हमने पट्टी बैठा दिया है। अब इसे हम अंदर की ओर, इसे अंदर की ओर हम मोड़ेंगे और इसकी हम सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह इसे अंदर की ओर मोड़े और हम सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह। देखिए बनने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा आपको, नेक की डिज़ाइन हमारी। इसमें आप हुक भी लगा सकते हैं, बटन, या अपने पसंद की डोरी। देखिए हमने डोरी बना के रखी है, इसकी हम तुरफाई कर लेते हैं। देखिए इसे इस तरह रखें। देखिए बनने के बाद, डोरी बनने के बाद कुछ इस तरह तैयार रहेगी। फ्रेंड आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।